तो क्या आप लोगों को पता है भगवान को किसने बनाया है? और हाँ, यहाँ पे हमारे वाले देवताओं की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ मार्वल यूनिवर्स के अंदर दिखाए जाने वाले भगवानों की, कि यार ज्यूस है, ओडिन है, ओडिन का बाप बोर, ये सारे आए कहाँ से है, इनको बनाने वाला कौन है? जैसे कि हमें अभी देखा है थॉर 1100 में, जब थॉर ज्यूस की मदद लेने के लिए ओमनीपोटेंट सिटी जाता है, वहाँ पे बहुत सारे भगवान आए हुए होते हैं, मतलब भगवानों की सभा होती है वहाँ पे, और यार वहाँ पे तरह तरह के भगवान होते हैं, वहाँ पे मोमोस का भगवान भी होता है, तो ये सारे भगवान आए कहाँ से? इनको बनाने वाला कोई तो होगा ना, कहीं से शुरू हुआ होगा ये सब। और एक और इससे ही बड़ा सवाल मान लेते हैं, अगर कभी एक बड़ा सा खतरा आ जाता है मल्टीवर्स लेवल का, तो भगवान जो है हमारी मदद करेंगे या नहीं करेंगे? मतलब दुमदागर साले भाग तो नहीं जाएंगे ना, मतलब नाम के लिए भगवानों, और ऐसे डरपोक हो अंदर से, जैसे हमने अभी ज्यूस को देखा है वो डरता था गौर से, तो ये भी एक अच्छा सवाल है। तो आज मैं इन्हीं दो सवालों बात करने वाला हूँ कि भगवान को किसने बनाया, और अगर कोई खतरा आता है तो भगवान हमारी मदद करेंगे या नहीं। तो यार वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के। तो यार वेलकम टू ऑल थिंग्स, और हमारा पहला सवाल कि भगवानों को किसने बनाया। भगवानों को किसने बनाया समझने के लिए हमें पहले समझना होगा भगवान का क्या मतलब होता है। भगवान एक ऐसी प्रजाति है मार्वल यूनिवर्स के अंदर जिनके पास दैविक शक्तियाँ हैं, और ये लोग बूढ़े नहीं होते हैं, मतलब सालों की एज बढ़ती नहीं है, बहुत धीरे धीरे बढ़ती है। अपना थॉर खुद 1500 साल का है, तो इनकी एज नहीं बढ़ती और इनके पास दैविक शक्तियाँ हैं। इस सब कहीं आपको देखा देखा तो नहीं लग रहा है? अगर आपने अभी इटर्नल्स देखा होगा, इटर्नल्स में जो इटर्नल्स है उनके पास बहुत सारी दैविक शक्तियाँ हैं और उनकी भी एज नहीं बढ़ती है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि जो सारे भगवान है वो इटर्नल्स है, बल्कि इटर्नल्स के वंशज हैं वो लोग। मतलब जब तो इटर्नल मिलकर अपना परिवार आगे बढ़ाने की सोचते हैं, तो उनका जब बच्चा पैदा होता है वो एक हाइब्रिड इटर्नल होता है। अब हाइब्रिड इटर्नल का मतलब क्या है? कि वो मामूली इटर्नल से ज़्यादा पावरफुल होगा, और हम इस हाइब्रिड इटर्नल को एक भगवान भी कह सकते हैं। तो बात करते हैं ये सब शुरू कहाँ से होता है, इसके लिए हमें जाना होगा बहुत ही पीछे, मतलब जब पृथ्वी पर कुछ भी नहीं था, अभी तक डायनासोर्स भी नहीं हुए पृथ्वी पर, और अभी मैं लाखों साल पहले की बात कर रहा हूँ, तब पृथ्वी पर एल्डर गॉड्स आते हैं। अब एल्डर गॉड्स कौन है? वो सेलेस्टियल के बाद सेकंड मोस्ट पावरफुल हैं पूरे मार्वल यूनिवर्स के अंदर, मतलब सेलेस्टियल टॉप पर है, उसके बाद जो आते हैं वो होते हैं एल्डर गॉड्स। अब एल्डर गॉड्स कौन है? इनको खुद सेलेस्टियल्स नहीं बनाया है, और सेलेस्टियल किनको बनाता है? सेलेस्टियल बनाता है इटर्नल्स को। मतलब एल्डर गॉड्स कुछ और नहीं बल्कि इटर्नल्स का पहला बैच है, बैच समझते हो ना आप, वो पहला वर्जन है इटर्नल्स का, उनको हम एल्डर गॉड्स कहते हैं। और यार बहुत ही ज़्यादा पावरफुल थे एल्डर गॉड्स भी, तो सेलेस्टियल्स उन्हें ना पृथ्वी पर भेजते हैं एल्डर गॉड्स को किसी काम से। अब क्या होता है, जैसे ये सारे एल्डर गॉड्स पृथ्वी पर आते हैं, तो वो आके जो उनमें कौन कौन होता है पहले उससे बात करते हैं। इन एल्डर गॉड्स में होती है गाइया, उसका भाई चिथॉन भी होता है इसके अंदर, एक होता है सेट, और भी कुछ दूसरे एल्डर गॉड्स होते हैं। अब क्या होता है, जैसे ये सारे एल्डर गॉड्स पृथ्वी पर आते हैं ना, तो सारे के सारे डीमन से बदल जाते हैं सिवाय गाइया के। गाइया का भाई चिथॉन, सेट और सारे के सारे डीमन बन गए हैं। अब क्या होता है, गाइया परेशान हो जाती है, वो क्या करती है, वो डेमियर्स को बुलाती है। अब डेमियर्स कौन है? वो इस पूरी कायनात का सबसे पहला एल्डर गॉड है, मतलब सेलेस्टियल ने सबसे पहला इटर्नल बनाया था ना, वो डेमियर्स था। अब डेमियर्स भी यहाँ पे आ जाता है गाइया के, और दोनों मिलकर एक बच्चा पैदा करते हैं जिसका नाम होता है एटम। अब एटम क्या करता है, जितने भी जो एल्डर गॉड्स है जो कि डीमन में बदल चुके हैं, वो उनको मार देता है सिवाय दो के, चिथॉन और सेट भाग जाते हैं वहाँ से। अब क्या होता है, एटम का काम खत्म हो गया है वहाँ पे, एटम फिर चला जाता है सूरज के अंदर, और सूरज का भगवान बन जाता है उसके बाद। अब क्या होता है, डेमियर्स भी चला जाता है वहाँ से। अब गाइया पृथ्वी पर अकेली छूट गई है, और वो वेट करती है इटर्नल से सेकंड बैच के आने का, मतलब सेकंड जनरेशन एल्डर गॉड्स के आने का। फिर जब एल्डर गॉड्स का सेकंड बैच भी पृथ्वी पर आ जाता है, तो गाया क्या करती है, वो गाया उन सभी के पास जाती है और उन सभी के साथ सारे रिश्ता बनाती है, और कुछ बच्चे पैदा करती है उन सभी के साथ मिलकर। अब ये क्या होता है, अब जब ये बच्चे बड़े हो जाते हैं, तो गाया फिर उन बच्चों के पास भी चली जाती है और उन सभी के साथ फिर से सारे रिश्ता बनाती है उन बच्चों के साथ भी, और फिर नए बच्चे पैदा होते हैं और फिर उनके पास जाती है, और चलता रहता है जब तक ये नए जो बच्चे पैदा हो रहे हैं आपस में मिलकर नए बच्चे पैदा नहीं करने लग जाते। और ये नए बच्चे कुछ और नहीं, हमारे आज के मार्वल यूनिवर्स में दिखाए जाने वाले भगवान हैं। मतलब यहाँ पे आपको क्या समझ में आ रहा है, कि ये गाइया है एक ऑल मदर है सही भगवानों की, मतलब गाइया की वजह से आज के जो भगवान है मार्वल यूनिवर्स के अंदर, ज्यूस वगैरह, ओडिन का बाप बोर वगैरह, उनका वजूद है किसकी वजह से, सिर्फ गाइया की वजह से। और क्या आपको एक और चीज़ पता है, कि थॉर की माँ फ्रेया नहीं है, मतलब ओडिन तो बाप है थॉर का, पर उसकी माँ कोई और नहीं बल्कि गाइया है। अब गाइया थॉर की माँ कैसे है, कि ना ओडिन को एक ऐसा बेटा चाहिए था जो कि सिर्फ एसगार्ड में नहीं बल्कि सातों सुंदरलोक में सबसे पावरफुल होगा, और उसे ऐसा बेटे के लिए वो गाया के पास जाता है, और गाया और ओडिन मिलकर एक बच्चा पैदा करते हैं जिसका नाम होता है थॉर, द गॉड ऑफ थंडर। और वाकई में ये बच्चा सिर्फ एसगार्ड पे ही नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड में बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होता है। मतलब यार मुझे आप लोगों को समझाने की जरूरत नहीं है कि थॉर कितना ज़्यादा पावरफुल है, आपको शायद मेरे से भी ज़्यादा अच्छे से मालूम होगा कि थॉर कितना ज़्यादा पावरफुल है। और ये तो हो गई गाया और थॉर की बात, और कहते हो जो आज के हमारे यूनिवर्स के अंदर जो भगवान है वो वजूद में कैसे आए, कैसे गाया की वजह से सारे भगवान आज हमें दिख रहे हैं हमारे यूनिवर्स के अंदर। ये तो था वीडियो का पहला सवाल कि भगवानों को किसने बनाया। अब आते हैं यार दूसरे सबसे जरूरी सवाल पर, कि अगर कभी आगे चलकर कोई ऐसा खतरा है जो कि पूरे ब्रह्मांड को मिटाने की शक्ति रखता हो, जैसे कि गैलेक्टस, या फिर कोई ऐसा खतरा जो कि पूरे मल्टीवर्स को मिटाने की कगार तक ले आए,
जैसे कि कैंग द कॉन्करर, तो क्या तभी ये जो भगवान लोग है हम इंसान की मदद नहीं करेंगे? तो हाँ, ये लोग तभी भी हमारी मदद नहीं करेंगे क्योंकि ये सारे भगवान खुदगर्ज होते हैं, ये हमेशा अपने बारे में सोचेंगे, ये ऐसी सिचुएशन में भी पीछे वाला गेट देखकर भागने का ट्राई करते ही रहेंगे। ये सारे भगवान साले हरामी होते हैं सिवाय थॉर के, अपना जो थॉर है वो काफ़ी अच्छा भगवान है, वो हमेशा अपने भक्तों की सुनेगा, हमेशा भक्तों की मदद करने के लिए सबसे आगे रहेगा, जैसा कि हमने थॉर लव एंड थंडर में देख ही चुका है। और हाँ, ये लोग भगवान, जैसा कि मैंने अभी कहा, जब तक खतरा इनके खुद के ऊपर ना हो ये लोग तब तक इंसान की मदद नहीं करेगा। तो यार, ये थे दो सवाल कि भगवानों को किसने बनाया, भगवान बने गाया की वजह से, और भगवान कोई और नहीं बल्कि इटर्नल से डिसेंडेंट्स है, और क्या है कभी इंसानों की मदद करेंगे? तो हाँ, ये लोग इंसानों की मदद कभी नहीं करेंगे जब तक खतरा इनकी खुद के ऊपर ना हो, जब तक इनकी खुद की जान हलक में ना हट के हो तब तक इंसानों की मदद नहीं करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि इसी के साथ आप लोगों को समझ में आ गया हो कि मार्वल के अंदर जो भगवान है साले कितने ज़्यादा हरामी है, या फिर इनको किसने बनाया है, और इसी के साथ जो मार्वल यूनिवर्स के अंदर जो भगवान का कॉन्सेप्ट इन्होंने लाया है ये कैसा, आपको मुझे लगता है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और भी अगर कोई सवाल है आपका तो आप कमेंट से मुझे ज़रूर पूछना, और ये वीडियो कैसी लगी ये लाइक या डिसलाइक करके मुझे ज़रूर बताना। मैं तो चाहता हूँ आप यार दोनों में से कुछ भी करो, मुझे दोनों चीज़ अच्छी लगती हैं। और आपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर ज़रूर कर देना, क्योंकि जिन्होंने वेव थॉर लेवन थंडर देखा है उनको वीडियो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगेगी। और एक और चीज़ यार, अगर आप चैनल पर नए आ गए हो तो यार सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं ऐसे वीडियो रेगुलरली डालते रहते हैं। एंड हाँ, एक और चीज़, गुड बाय।